टेनिस की खिलाड़ी रही सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक ने अब दूसरी शादी कर ली है, लेकिन सवाल है कि क्या शोएब ने सानिया को तलाक दिया है या फिर नहीं। दरअसल खबर है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली है। इस बार शोएब मलिक पाकिस्तान की तलाकशुदा एक्ट्रेस सना जावेद से शादी करके सुर्खियों में आए हैं। बताते चले कि शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा से साल 2010 में शादी की थी। दोनों का रिश्ता काफी समय तक अच्छा भी रहा। दोनों फैंस को कपल गोल्स भी देते रहे हैं, मगर अचानक इस रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो गई और दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। और यह शादी ऐसे समय में हुई जब उनकी सानिया मिर्जा से अलग होने की खबरें तेजी से सामने आने लगी थी। बता दें कि शोएब मलिक का बिना तलाक के शादी करने का रिकॉर्ड भी शुरू से रहा है। ये शोएब मलिक की तीसरी शादी है। शोएब मलिक ने सबसे पहले आयशा सिद्दीकी से शादी की थी। जब शोएब मलिक 2010 में सानिया मिर्जा से शादी कर रहे थे, तब उनकी पत्नी आयशा सिद्दीकी ने बिना तलाक दिए शादी करने का आरोप लगाया था। तब शोएब ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि उनकी आयशा से कभी शादी हुई थी। बाद में दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक दूसरे की तस्वीरें डिलीट कर दी थी और फिर खबर आई कि दोनों में तलाक हो चुका है। 28 साल की सना जावेद पाकिस्तान के कई मशहूर टीवी शो में नजर आ चुकी हैं। ए मुश्त, ए खाक, डंक समेत अन्य उनके कई फेमस शो भी शामिल हैं। इसके अलावा वो कई म्यूजिक वीडियोज में भी दिख चुकी हैं। ऐसे में अब अगर सानिया मिर्जा और शोएब की शादी की बात की जाए, तो शोएब ने सानिया से साल 2010 में शादी की थी। तब आयशा ने सबके सामने आकर ये बताया कि वह शोएब की पहली पत्नी हैं और बगैर तलाक दिए शोएब दूसरी शादी नहीं कर सकते। मामला बढ़ने के बाद शोएब ने आयशा से तलाक लिया था। शोएब ने सानिया से शादी के बाद पहली पत्नी आयशा से तलाक लिया। ऐसे में भारतीय फैंस के लिए बात किसी झटके से कम नहीं है। हर कोई इस बात को ही सोच रहा है कि अचानक शोएब ने इतना बड़ा फैसला आखिर कैसे उठा लिया। अब आखिर सानिया मिर्जा का क्या होगा? बिना तलाक के क्या ये शादी मान्य होगी? और सानिया मिर्जा का अगला कदम इस मामले को लेकर क्या होने वाला है? फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। बाकी के हम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।